हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M02 के अंदर अगर आपको अपने एप्लीकेशन लॉक करने हो तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको जरूरत है अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करें, जिसमें आपके बहुत सारे फोटोज एंड वीडियो ऐसे होते हैं जो आपको किसी दिखाने के होते हैं किसी को दिखाने के नहीं होते हैं, और बहुत सारे गेम भी ऐसे होते हैं जो आपको लॉक करने रहते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो हम बताते हैं अब आपको अपने फ़ोन के अंदर कैसे ऐप लॉक करनी है। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर सैमसंग गैलेक्सी M02 के अंदर आपको ऐप लॉक देखने के लिए नहीं मिलते हैं, इसके अंदर ऐप लॉक का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है इस फ़ोन में। तो उसके लिए आपको क्या, अपने फ़ोन में एक ऑप्शन मिलता है गैलेक्सी स्टोर नाम से एक एप्लीकेशन मिलता है, तो सिंपली आप इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेंगे, इसमें जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना रहता है। इसमें जाके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि है एस सिक्योर नाम से, जो सैमसंग का खुद का एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड करना है। उसे आप डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर, तब आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप लॉक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अभी हमने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से जाएंगे आप, सर्च करेंगे, यहाँ से आप लिख देंगे एस सिक्योर नाम से एप्लीकेशन है आपको जो मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको ये वाला एस सिक्योर नाम से ये एप्लीकेशन मिलता है जो सैमसंग का खुद का एप्लीकेशन है। यहाँ लिखिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स .com.लिमिटेड कंपनी का खुद का एप्लीकेशन है जो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसे जो हमने डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से आप बैक आ जाएंगे, इसे डाउनलोड करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है आपने सिंपली आप उसे ओपन कर लेंगे। इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी रहती है, सिंपली आप उसे ओपन कर लेंगे। अब इसमें वो क्या क्या सेटिंग है जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक एंड मास्क ऐप, इसे ओपन कर देंगे। जैसे आप इसे ओपन कर देंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑफ का, तो इसे आप यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है पैटर्न, सिंपली हम अपना एक पैटर्न डाल देंगे, कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं आप अपने यहाँ से। तो यहाँ से हमने पैटर्न डाल दिया, इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इसे यहाँ से हम करेंगे कन्फर्म, इसे यहाँ से हमने कर दिया है कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं वो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, पैटर्न लॉक लग चुका है। लॉक ऐप्स पे कोई भी नहीं है, आपको मास्क ऐप पे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक्ड ऐप, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलता है, नो एप्लीकेशन। उसके बाद अगर आपको जो एप्लीकेशन पर लॉक करना है वो एप्लीकेशन आपको ऐड करने पड़ते हैं, तो यहाँ आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है ऐड का, सिंपली हम इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपके जो अपने फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन की आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है, जिन जिन पर आपको लॉक करना है वो सारे यहाँ से लॉक कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, एक हमने अपना ये अमेजोन सेलेक्ट कर दिया है और ले लेते हैं हम यहाँ से अपना एक एप्लीकेशन जो कि हमने एक फेसबुक ले लिया। फेसबुक के बाद एक यहाँ से हम ले लिया अपना यूट्यूब, ये तीन एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट कर दिए और इन्हें यहाँ से हम कर देंगे डन। अभी हमारे तीन एप्लीकेशन हो चुके हैं लॉक, यहाँ आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है लॉक हो चुके हैं। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, अब हम यहाँ से हम आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन लॉक किए हैं वो लॉक हुए हैं नहीं हुए हैं, लॉक हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सिंपली आप अपने ऐप्स में जाएंगे, यहाँ अमेजोन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही देख सकते हैं आप अमेजोन पर हमारे लॉक लग चुका है, इस पर अपना लॉक डालेंगे, पैटर्न जो डाला था आपने, पैटर्न डालने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से हम दूसरा चेक कर लेते हैं, हमने जिस पर लॉक लगाया था वो भी हमारा ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, अमेजोन ओपन हो गया हमारा। एक हमने फेसबुक लिया था अपना, एक हमने YouTube सेलेक्ट किया था, YouTube आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक किया और अपना पैटर्न डाल देंगे और YouTube हमारा ओपन हो जाता है। तो अब बात आती है हमने जो अपने एप्लीकेशन लॉक किए हैं वो लॉक तो हो गए, इन फ्यूचर का भी हमें जरूरत पड़ती है अपने एप्लीकेशन अनलॉक करने में, तो उन्हें अनलॉक कैसे करें। तो अनलॉक करने के लिए आपको फिर से वहीं चलता है, तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। तो अनलॉक करने के लिए आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया था एस सिक्योर, तो आपको फिर से उसी में चलना है। जैसे आप उसी में जा जाएंगे तो इस पर आपको हाँ ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, सिंपली हम इस पर चले जाएंगे। जैसे आप इस पर चले जाएंगे यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक एंड मास्क ऐप, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पैटर्न डाला है वो पैटर्न डाल देंगे यहाँ से। पैटर्न डालने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉक्स लॉक्ड ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको राइट साइड में ऊपर ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे एप्लीकेशन इन्हें सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से तीन एप्लीकेशन हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ से इन्हें कर देंगे हम अनलॉक।
जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ ऑप्शन आ गया तीन एप्लीकेशन अनलॉक, यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से हम आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन अनलॉक की है वो अनलॉक हुए हैं नहीं हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा अमेजॉन और फेसबुक और यूट्यूब हमारे तीनों एप्लीकेशन हो चुके हैं अनलॉक। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर चाहें ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।